इस होली पे इस डिफरेंट सी मिठाई को बनाइए और अपने गेस्ट को खिलाइए। ये देखिए कितनी शानदार सी हमारी मिठाई तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको हम कैसे सर्व करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ये पीस रखिए और इसमें डालिए ये जो हमने रसमलाई मिल्क बनाया। हमारी रसमलाई कलाकंद खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बनाया और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से हमने इसको सर्व किया है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, देखते हैं कैसे बनाना शुरू करते हैं रसमलाई। कल त्योहारों के दिन शुरू हो गए हैं, गर्मियाँ आ रही हैं और नवरात्रे भी आने वाले हैं, ऐसे में हम एक मिठाई बनाएंगे इंस्टेंट जो मुश्किल से 7-8 मिनट में आपकी बनके तैयार हो जाएगी घर के ही सामान से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सी मिठाई है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 कप दूध। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं इंस्टेंट सी मिठाई जो हम घर के ही सामान से ही बड़े आराम से बना लेंगे। कभी कभी होता है गेस्ट आ जाते हैं, कोई घर में कोई चीज़ नहीं होती, तो हम सोचते हैं कैसे करें कैसे। इस मिठाई को आप 7 से 8 मिनट तक घर के सामान से ही बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने लिया दूध, मेरा इस समय ठंडा है लेकिन दूध हमें चाहिए गर्म, तो मैं इसे गर्म कर लेती हूँ। ये दूध मेरा गर्म हो गया, ये है केसर। गर्म दूध में से थोड़ा सा मैं इसमें, जिससे केसर भीग जाएगी, अपना कलर और फ्लेवर अच्छे से छोड़ देगी। इसको एक साइड रख देते। अब इस दूध में मैं डालूँगी ये वाले जो घर में चम्मच होते हैं हम खाते हैं जिनसे, 3 चम्मच चीनी। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप ज़्यादा मिठाई बना रहे हैं तो ज़्यादा, मैं तो 200 ग्राम से बना रही हूँ। चीनी को घुलने देंगे, और आपके पास किसी चीनी है तो कोई बात ही नहीं है, किसी चीनी डाल लीजिए, घोलने की भी दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट घुल जाएगी। और इसमें अगर आपके पास मावा है तो मावा डालिए, और नहीं तो मिल्क पाउडर, सबसे आसान तरीका है घर में मिठाई बनाने का। मावा ना हो, त्योहारों के दिनों में मावा मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो मिलावट वाला। वैसे तो आजकल मार्केट में हर चीज़ मिलावट वाली मिलती है। तो ये हम बना रहे हैं अपनी मिठाई के लिए रसमलाई का दूध। आप सोच रहे होंगे रसमलाई कह रही है तो रसमलाई बना रहे हैं, हम रसमलाई नहीं बना रहे, हम एक डिफरेंट सी मिठाई बनाएंगे। तो इसमें मैं डालूँगी ये 3 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, इंस्टेंटली हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा, हमें कोई भी चीज़ दूध को गाढ़ा नहीं करना पड़ेगा, टाइम लगाना नहीं पड़ेगा। आपके पास मावा है मावा डाल लीजिए, और वरना सबसे तरीका है कि हम दूध को गाढ़ा कर लेते हैं, हमारी रबड़ी रसमलाई का रस तैयार हो जाएगा। तो मैं ये 3 चम्मच डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, मैंने दूध में अच्छे से मिला दिया। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी इंस्टेंटली तैयार हो गया, कोई हमें दूध गाढ़ा नहीं करना पड़ा, फटाफट से हमारा ये तैयार हो गया। और ये देखिए केसर वाला दूध जो हमने केसर भिगो के रखा था, ये डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, जो केसर वाला कलर आता है वो डाल सकते हैं, ये पूरी तरह आपकी चॉइस पर निर्भर है। और इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, ये काजू। इस समय होली आ रही है, होली पे क्या होता है, हर दूसरे घर में जब हम जाते हैं या तो फ्रूट कस्टर्ड या फ्रूट क्रीम और या फिर आइसक्रीम, और या उसके साथ ही रसगुल्ले ठंडे वाले या गुलाब जामुन सर्व कर दिए जाते हैं। लेकिन आप इस तरह से ये डिफरेंट सी मिठाई बना के शेयर करेंगे ना, सर्व करेंगे लोगों को, तो आपको बहुत वाहवाही मिलेगी। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारा रसमलाई का रस तैयार हो गया। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, हम रसमलाई नहीं बना रहे, लेकिन सर्व करने का तरीका कुछ अलग सा है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए, ठंडी ठंडी सर्व करेंगे अपनी मिठाई को। अब इस मिल्क को मैं फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, आगे की तैयारी करते हैं। मैंने उसी पैन को रख लिया, और ये है पनीर, ये मेरा घर का ही बना हुआ है। बाज़ार से लेना चाहते हैं तो सोच लीजिए, बाज़ार से तो हर चीज़ मिलावट वाली ही मिलती है। इस पनीर को मैं इसी पैन को मैंने रख लिया, इसमें कद्दूकस कर लूँगी। ये मेरा 200 ग्राम पनीर है,
आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया और फ्लेम मेरी ऑन नहीं है, फ्लेम मेरी ऑफ है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप दूध। मैं ये सब मेज़रमेंट कप से कर रही हूँ, आप घर में जो कटोरी होती हैं उनसे, मेजरिंग कप हैं उनसे, जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी, ये मैं छोटे चम्मच से डाल रही हूँ, बड़े चम्मच से डालेंगे तो 2 चम्मच, क्योंकि हमने जो रसमलाई मिल्क बनाया है वो भी हमारा मीठा है, तो इस और ये मिठाई थोड़ी कम मीठी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 कप ही डालूंगी मिल्क पाउडर, कोई सा भी दूध मिल्क पाउडर हो आपके पास, स्किम्ड हो, कोई भी हो, और आजकल तो पाउचेज मिलते हैं 10-10 रुपये के, वो ले सकते हैं, और नहीं तो मावा तो है ही सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन। इसको डाल के हम इसे पकाते, मैं ये इसमें डाल देती हूँ। देखिए हमारा ये अच्छे से पकने लगा है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। हम बना रहे हैं रसमलाई कलाकंद, बहुत ही बढ़िया मिठाई लगती है, डिफरेंट सी है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारा अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, ये मेरा पिसा हुआ घर का ही है, मैं घर पे छिलक समेत पीस लेती हूँ और खुशबू बिल्कुल नहीं जाती इसकी। और ये जो हमने केसर का दूध बनाया था ये डाल देंगे। अगेन अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं, और नहीं कलर डालना चाहते अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये डाली पिस्ता, और इसको पका लेंगे। देखिए क्या शानदार कलर आया। अब इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जो कलाकंद होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। देखिए कितना बढ़िया सा दानेदार तैयार हो गया। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। ये डिफरेंट सी मिठाई है, आजकल रमज़ान चल रहे हैं उसमें बना सकते हैं, होली आने वाली है उस पे सर्व करेंगे, और नवरात्र आ रहे हैं, व्रत उपवास में भी आप इस मिठाई को बड़े आराम से खा सकते हैं। कोई भी ट्रे, थाली, प्लेट कुछ भी लीजिए और उसमें इस मिठाई को जमा लीजिए। इस तरह से ग्रीस कर लेंगे, सारा इसमें पलट दूंगी। मैंने केवल 200 ग्राम पनीर से बनाया है, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको सेट कर लेते हैं, स्मूथ कर देते हैं बिल्कुल, और मुझे थोड़े मोटे पीस चाहिए तो मैंने ये इसलिए इसको इतना मोटा रखा है। आप पतला जमाना चाहते हैं पतला जमा लीजिए। इस पर भी डालेंगे पिस्ता, बादाम, थोड़े से केसर के स्टेम्स, और इसे रख देते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। मिलते हैं फिर, मैं आपको बताती हूँ कैसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी मिठाई भी ठंडी हो गई, और ये हमारा मिल्क भी। चलिए पीस काट के दिखाती हूँ आपको। पीस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे काटना चाहें वैसे काटें। कैसे सर्व करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। ये पीस रखिए और इसमें डालिए ये जो हमने रसमलाई मिल्क बनाया, फुल डिफरेंट स्टाइल से हमने इसको सर्व किया है।